हम ले लिए हैं सूरन और बनाएंगे सूरन का कतरा। तो ये है मसाले, लहसुन, मिर्चा और जीरा, ये काली मिर्च, ये भूखा हुआ काली मिर्च है। तो यहाँ मैंने काट लिया है सूरन को और इसको अच्छी तरीके से धो के तो फिर पानी गर्म करने के लिए पानी चढ़ा दिए हैं। यहाँ देखिए पानी अब गर्म होगा, उसमें हम डाल देंगे सूरन को। सूरन का सब्जी तो या फिर कतरा जरूर बनाना है दीपावली में। यहाँ नमक डाल दिया है और अब डालेंगे हम खटाई है। खटाई थोड़ा सा खिचड़ी टाइप होने लगता है गला में, तो उसके लिए ज़रूर डालना चाहिए। अब हम इसको ढक दिए हैं उबलने तक। यहाँ हमारे मसाले सब रखे हुए हैं, बेसन है, मिर्चा है, लहसुन है, जीरा है। तो यहाँ देखिए उबल गया है और कढ़ाई में इतना पानी डालें कि सूख जाए ये कढ़ाई में ही। ये सोना सोना होता है, इसलिए देखिए अब मेरा सूरन हो गया है। इसको देख लेंगे हम चाकू से, अब ये तैयार है। इसको अब मसाले हम पीस लिए हैं। मसाले को पीसने के बाद बेसन में हम मिला देंगे इसको। नमक आप अपने अनुसार डालें जितना क्वांटिटी हो। तो यहाँ नमक, हल्दी सब कुछ डाल दिए हैं, गरम मसाला, जीरा, मरीच, लहसुन, मिर्चा। अब हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं तो इसमें तेल डाल रहे हैं, सरसों का। आप कोई भी तेल ले सकते हैं तलने के लिए। इसका हम कतरा बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। दीपावली के दिन वैसे ज़रूर ही बनता है, शुभ होता है, बनाना चाहिए, हर घर में बनता भी है। कोई सब्जी बनाता है तो कोई कतरा बनाता है, कोई आलू चाप बनाता है, सूरन का आलू चाप भी बनता है, चाप टाइप जैसे आलू का चाप बनता है वैसे। तो हम कतरा बना रहे हैं, देखिए इसको तल लेंगे। ये खाने में एकदम मछली की तरह लगता है, तला हुआ मछली की तरह बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार ज़रूर आप लोग बनाएं और खा के देखें। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए अब इसको हम पलट लेंगे धीरे धीरे। ये पका हुआ ही है, ज़्यादा देर नहीं लगता है पकने में। सूरन पका हुआ है तो बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए पलट लिए हैं हम, अभी लाल हो गया है और देखिए कि दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मछली की तरह।